सर्वेभ्यः नमः। इस नूतन सत्र में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रथमः पाठः। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना सागर लसल्लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी निर्झर वृक्ष समूह लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त कर रहा है। प्रथम पाठ का प्रथम श्लोक इस प्रकार है, उसका उच्चारण शुद्ध करना अनिवार्य है, तो चलते हैं उच्चारण की ओर। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं मनः शोषयत् तनुः पेषयत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणं। श्लोक को समझने से पहले उसके अन्वय को समझना अनिवार्य है। अन्वय का तात्पर्य है विभक्ति वचनों का क्रमबद्ध संकलन। तो चलते हैं हम अन्वय की ओर। अत्र जीवितं दुर्वहं जातं प्रकृति ही एव शरणं शुचि पर्यावरणम् एव शरणम् महानगर मध्ये कालायस चक्रम् अनिशम् चलत् मनः शोषयत् तनोः पेषयत् सदा वक्रम् भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम् न एव स्यात्। श्लोक को समझने से पहले शब्दार्थ अनिवार्य हैं। दुर्वहम कठिन, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, शुचि ही पवित्र या शुद्ध, चलत चलते हुए, अनिशम रात दिन, काला यस चक्रम काला लोहे का पहिया, शोषयत सुखाते हुए तनुः शरीर को, पेशयत पीसते हुए चक्रम टेढ़ा, दुर्दान्तैः कठोर अर्थात बहुत भयंकर या भयानक, दशनैः अपने दांतों से, अमुना इसके द्वारा, जनग्रसनम जनता का नाश। श्लोक में कठिन शब्दों का संधि विच्छेद अनिवार्य है। जब तक हम संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे तब तक शब्दों को समझना कठिन है। अतः आप देखिए आप लोग संधि विच्छेद। दुर्वहम, दुह प्लस वहम प्लस अत्र, प्रकृति रेव प्रकृति ही प्लस एव, पर्यावरणम परि प्लस आवरणम, कालायस चक्रम काल प्लस आयस चक्रम, चलद अनिशम चलत प्लस अनिशम, दुर्दान्तैर दशनैरमुना दुह प्लस दान्तैः प्लस दशनैः प्लस अमुना, स्यान्नैव स्यात् प्लस न प्लस एव। कठिन शब्दों के प्रत्यय जानना अति आवश्यक है। जैसे जीवितम, जीव धातु है और इसमें क्त प्रत्यय है, जातम जन धातु है और क्त प्रत्यय है, चलत
चल धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। शोषयत शुष धातु है और इसमें क्षत्रि प्रत्यय है। उसी प्रकार पेशयत में भी विष धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। इन प्रत्ययों का प्रयोग आप पिछली कक्षा में भी कर चुके हैं। समास संक्षेप को कहते हैं। संस्कृत में चार प्रकार के समास है जो हम आगे निरंतर आपको बताते रहेंगे। यहाँ पर इस पहले श्लोक में कुछ शब्दों में समास आए हैं वो हम बता रहे हैं। महानगर मध्य, महानगराणाम मध्य, यह षष्ठी तत्पुरुष है। कालायस चक्रम, कालायसस्य चक्रम, षष्ठी तत्पुरुष। जनग्रसनम, जनानाम ग्रसनम, जनग्रसनम, षष्ठी तत्पुरुष। अब तक आपने श्लोक में अन्वय, शब्दार्थ, संधि, प्रत्यय एवं समास को समझते हुए अब आप श्लोक के अर्थ को अच्छी तरह समझेंगे। यहाँ जीवित रहना, यहाँ का तात्पर्य है इस संसार में जीवित रहना बहुत कठिन हो गया है। प्रकृति ही हमारी शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। इन बड़े बड़े महानगरों के बीच में दिन रात काले पहियों का जो चक्र है निरंतर चल रहा है, जो मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चल रहा है। इसके द्वारा अपने कठोर दांतों से जनता का नाश न हो, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलना ही चाहिए। अब हम प्रथम पाठ के द्वितीय श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटी यानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। प्रथम श्लोक की तरह इस श्लोक का भी हम अन्वय करेंगे। अद्यत्वे देशे, ये अपने ओर से हमने लगाया है। शतशकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयान माला ध्वानम वितरन्ति संधावती यानानाम अनन्ताः पंक्तयः हि येन कठिनम संसरणम। अन्वय के पश्चात अब हम शब्दार्थों को देखते हैं। जो जो कठिन शब्द महसूस हो रहे हैं उनकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कज्जल मलिनम अर्थात काजल की तरह काले, धूमम ये द्वितीय विभक्ति में है इसलिए धुवे को, मुंचति, मुंचति का मतलब होता है छोड़ती है, शत शकटी यानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, वाष्पयान माला, वाष्पयान माला का मतलब होता है रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ, ध्वानम शोर को, वितरंती फैलाती हुई, संधावती दौड़ रही हैं, यानानाम गाड़ियों की, अनंताः अनगिनत संसरणम चलना। शब्दार्थ के पश्चात आप देखिए जो शब्द कठिन है उन शब्दों का हम संधि विच्छेद करते हैं। जब तक हम संधि विच्छेद नहीं करेंगे तब तक शब्दों को समझना कठिन हो जाता है। धूमम मुंचति, धूमम जो बिंदी लगी हुई थी उसको हलंत म के साथ हमने प्रयोग किया क्योंकि इसमें व्यंजन संधि है। धूमम मुंचति, संधावती, सम प्लस धावती, यानानाम पंक्तयः, इसमें भी व्यंजन संधि है, जो बिंदी ऊपर लगी हुई थी उसको हलंत म के साथ यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। पंक्तयोः
ह्या अनंताः, पंक्तयः हि अनंताः। संसरणम्, सम प्लस सरणम्। इस श्लोक में प्रत्ययुक्त पद दो ही प्रदर्शित हो रही हैं, वितरंति वि प्लस क्षत्रि प्लस गीप प्रत्यय। पंक्तयः पम धातु है और तीन प्रत्यय। इस श्लोक में समास के अनेक शब्द हैं, परंतु आपके पाठ्यक्रम में जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों को हमने चयन किया है। वाष्पयान माला, वाष्पयाना नाम माला, षष्ठी तत्पुरुष है ये। और यान पंक्तयः, याना नाम पंक्तयः, यह भी षष्ठी तत्पुरुष है। अब श्लोक के अर्थ को देखते हैं। आज हमारे देश में सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह मैले अर्थात काले धुएं को छोड़ रही हैं, क्योंकि जितनी भी मोटर गाड़ियां हैं सारी की सारी विषैली हवा को अनेक अनेक रेलगाड़ियां चारों ओर शोर करती हुई दौड़ रही है। जब रेलगाड़ियां चलती हैं तो वहां पर बहुत ही शोर होता है, गाड़ियों की पंक्तियां अनंत है अर्थात ट्रैफिक बहुत है हमारे शहरों में, जिससे चलना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए हम शुद्ध पर्यावरण की शरण में ही चल रहे हैं अर्थात शुद्ध पर्यावरण की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इसी क्रम में अब हम चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। इस श्लोक के अन्वय को देखिए। अब अद्य वायुमंडलम भृशम दूषितम निर्मलम जलम हि न भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम समलम धरातलम अंतर्जगति तु निर्मलम करणम बहुशुद्धि करणम। अन्वय के पश्चात अब हम चलते हैं कठिन शब्दों की ओर। भृशम अत्यधिक बहुत ज़्यादा, दूषितम प्रदूषित अर्थात गंदा, भक्षम खाने योग्य वस्तुएं, कुत्सितम गलत, समलम मैली, धरातलम सारी की सारी पृथ्वी या धरती, जगति संसार में। अब आप संधि विच्छेद को देखिए। निर्मलम जलम, निर्मलम जो बिंदीयुक्त पद है उसको हम हलंत मकारयुक्त पद का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन संधि के नियम से म हो रहा है, तो निर्मलम जलम। भक्षम समलम, वही उपर्युक्त स्थिति नीचे भी लागू हो रही है, जो बिंदी लगी हुई है उसके स्थान पर हलंत मकार प्रयुक्त किया गया है। फिर है बहिरंतर जगति, बहि शब्द अलग है, अंतः तथा जगति ये तीनों के तीनों शब्द अलग अलग प्रयुक्त किए गए हैं। अब आप इन शब्दों में प्रत्यय देखिए। सबसे पहले दूषितम यह पद है, दूषितम में दूष धातु है और क्त प्रत्यय है। भक्षम शब्द है, इस भक्षम शब्द में
भक्ष मूल धातु है और इसमें यत प्रत्यय है। करणीयम में क्रि धातु है और अनियर प्रत्यय है। अब आप आगे समास देखिए। वायुमंडलम, वायो हो ये षष्ठी विभक्ति में है, वायो हो मंडलम, वायुमंडलम षष्ठी तत्पुरुष। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सितेभ्यः वस्तुभ्यः मिश्रितम, इसमें पंचमी विभक्ति तत्पुरुष है। समलम मलेन या मलैः सह अव्ययी भावः। धरातलम धरायाः तलम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। शुद्धिकरणम शुद्धेः या फिर शुद्ध्याः करणम, शुद्धिकरणम षष्ठी तत्पुरुष है। इस प्रकार इन पदों का यहाँ पर समास किया गया है। समस्त पद हैं ये सारे के सारे। समास के पश्चात अब हम श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वायुमंडल, आज जो हमारा वायुमंडल है बहुत ही प्रदूषित हो गई है, हवा बहुत अशुद्ध प्राप्त हो रही है, जो जल है अर्थात जो पानी है वह भी शुद्ध नहीं रहा। सारी खाने योग्य जितनी भी वस्तुएं हैं वे सारी की सारी वस्तुएं आज अशुद्ध अर्थात विषैली वस्तुओं से मिलावटी हो गई है, तथा सारी धरती मैली अर्थात अशुद्ध हो चुकी है। इन सभी अशुद्धियों को दूर बाहर करके अंतरजाल अर्थात मन व बुद्धि आदि को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। शुद्ध पर्यावरण के द्वारा ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसी क्रम में अब हम चलते हैं चतुर्थ श्लोक की ओर। कंचित कालम नय मामस्मान नगरात बहु दूरम, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम् शुचिपर्यावरणम्। अब इसके पश्चात आप अन्वय की ओर अवलोकन करिए। कंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम नय ग्रामान्ते अहम निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि, एकांते कांतारे मे क्षणम अपि संचरणम स्यात्। अन्वय के पश्चात अब हम शब्दार्थ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कंचित अर्थात कुछ थोड़ा, कालम समय, नय ले चलो, प्रपश्यामि देखूं या देखता हूँ, एकांते एकांत में, कांतारे जंगल में, मैं मेरा ये षष्ठी विभक्ति मम का दूसरा रूप है, क्षणमपि क्षण भर भी कुछ समय के लिए भी, संचरणम घूमना स्यात् हो। इस श्लोक में भी कुछ कठिन शब्द है, तो अब हम उन कठिन शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं। कंचित कम प्लस चित, माम अस्मान नगराद, माम प्लस अस्मात प्लस नगराद। अगला शब्द है ग्रामांते, ग्राम प्लस अन्ते, संचरणम सम प्लस चरणम, ये हुए संधि विच्छेद।
उसके पश्चात आप देखेंगे प्रकृति प्रत्यय। संचरणम यह शब्द है, इस शब्द में सम उपसर्ग है, चर धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। तो इनको मिलाकर के संचरणम इस शब्द की उत्पत्ति होती है। अब इसके पश्चात आप श्लोक में आए हुए समास को देखिए, ग्रामांते ग्रामस्य अन्ते ग्रामांते षष्ठी तत्पुरुषः पयः पूरम पयसा पूरम पयः पूरम तृतीया तत्पुरुषः। इसके पश्चात आप श्लोक के अर्थ को देखिए, कुछ समय के लिए मुझे इस प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलिए, जहाँ मैं गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरनों को देख सकूं। एकांत जंगल में मेरा क्षणभर के लिए भी भ्रमण होवे। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हुए पंचम श्लोक में आते हैं। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचिपर्या वर्णम। अब श्लोक के पश्चात आप अन्वय देख लीजिए, हरित तरुणाम ललित लतानाम रमणीया माला समीर चालिता कुसुमावलीही मे वर्णीया स्यात् रसालम नवमालिका रुचिरम संगमनम मिलिता। श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों की ओर बढ़ते हैं। हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम सुंदर लताओं की, रमणीया सुंदर माला पंक्ति, समीर चालिता हवा से हिलाई गई, कुसुमावली ही फूलों की पंक्ति, रसालम आम संगमनम मेल मिलिता प्राप्त हो। श्लोक में आए हुए संधियुक्त पदों को देखिए, कुसुमावली ही कुसुम प्लस अवली ही स्यान में स्यात प्लस में रसालम मिलिता, रसालम में जो बिंदी है उस बिंदी के स्थान पर हलंत म के साथ प्रयुक्त किया गया रसालम प्लस मिलिता, संगमनम सम प्लस गमनम। संधि के पश्चात अब हम प्रत्ययों की ओर अग्रसर होते हैं। रमणीया रम धातु है, अनियर प्रत्यय और टाप रमणीय बनता है, उसके बाद फिर रमणीय इस शब्द को फिर टाप प्रत्यय लगाने से रमणीया शब्द की उत्पत्ति होती है। अगला शब्द है चलिता, चल धातु है और निच प्रत्यय और टाप प्रत्यय, इतना करने के बाद चल धातु को चालित शब्द बना लिया जाता है। जब चालित शब्द बनता है तो उसको टाप प्रत्यय जोड़ने से चलिता शब्द की उत्पत्ति होती है। फिर अगला शब्द है वर्णीया, व्रीय धातु है और अनियर प्रत्यय है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वर्ण वर्णीय यह शब्द बनता है, फिर टाप प्रत्यय जोड़ने से वर्णीया इस शब्द की उत्पत्ति होती है। फिर अगला शब्द है मिलिता, मिल धातु है, क्त प्रत्यय है
और टाप प्रत्यय मिलाने से मिलिता शब्द की उत्पत्ति होती है। और अगला शब्द है अंत वाला संगमनम। सम उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। इस प्रकार मिलाने से संगमनम शब्द की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं समास में कुसुमावली ही, कुसुमानाम अवली ही, कुसुमावली ही षष्ठी तत्पुरुष। समीर चालिता, समीरेण चालिता, समीर चालिता तृतीया तत्पुरुषः। अब उस श्लोक के समस्त कार्य करने के बाद अब हम चलते हैं श्लोक के अर्थ को जानने के लिए। हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की सुंदर माला, हवा से हिलाई गई फूलों की पंक्ति अर्थात गुच्छे मेरे लिए सुंदर हो, आम की नई पंक्ति रुचिपूर्वक मुझे प्राप्त हो, अर्थात शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं छठे श्लोक की ओर। आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम सुचि पर्यावरणम। श्लोक को समझने के लिए अब हम चलते हैं अन्वय की ओर। बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम जीवित रसहरणम न कुर्यात। श्लोक के अन्वय के बाद अब हम कठिन शब्दों को जान लेना आवश्यक समझते हैं। खग कुल कलरव पक्षियों के समूह की आवाज से, गुंजित वन देशम गुंजायमान वन के स्थान को, पुर कलरव नगर के कोलाहल से, संभ्रमित जनेभ्य भ्रमित लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम धैर्य के सुख का संदेश, चाक चिक्य जालम चकाचौंध के जाल को, नह हमारे जीवित रसहरणम जीवन के रस का हरण। ये हुए शब्दार्थ। श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों के संधि विच्छेद को जानते हैं। संभ्रमित जनेभ्यो धृत, सम प्लस भ्रमित जनेभ्य प्लस धृत, चाक चिक्य जालम नो, चाक चिक्य जालम के ऊपर जो बिंदी है उस बिंदी को हलंत म के साथ प्रयुक्त करना है, फिर प्लस नो, नो कुर्या जीवित, नह नो का विसर्ग हो जाएगा, नह कुर्यात जीवित। संधि विच्छेद के बाद हम देखते हैं प्रकृति प्रत्यय। गुंजितम, गुंज धातु है और क्त प्रत्यय है, नपुंसकलिंग में गुंजितम शब्द बनता है। संभ्रमित, सम उपसर्ग है, भ्रम धातु है और क्त प्रत्यय है। धृत, धृ धातु है और क्त प्रत्यय है। जीवित शब्द है, जीवित शब्द में जीव धातु है और क्त
प्रत्यय है। प्रत्यय के बाद अब हम चलते हैं समास में। खग कुल कलरवम, खगानाम कुलम तेषाम कलरवम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। वनदेशम वनस्य देशम वनदेशम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। पुर कलरवम पुराणाम या फिर पुरस्य कलरवम पुर कलरवम, षष्ठी तत्पुरुष। धृत सुख संदेशम धैर्यस्य सुखम तस्य संदेशम धृत सुख संदेशम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। चाक चिक्य जालम चाक चिक्यस्य जालम चाक चिक्य जालम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। जीवित रसहरणम जीवितस्य रसम तस्य हरणम जीवित रस हरणम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो आइए अब हम इस श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। हे मित्र, हे बंधु, हे भाई, पक्षियों के समूह की आवाज से गूंजायमान वन में चलो। नगर की आवाज अर्थात कोलाहल से शोर से परेशान लोगों को धैर्य के सुख का संदेश दो। नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस का हरण न कर ले। इसलिए हे मनुष्यों, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। तो इसी क्रम में चलते हैं अगले श्लोक सप्तम श्लोक में। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाहा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सुचि पर्यावरणम। अब श्लोक के अन्वय को समझने का प्रयास करते हैं। लता तरु गुल्माहा प्रस्तर तले न पिष्टाहा भवन्तु, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा